फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए मूली के पराठे की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे मैंने बिल्कुल नए तरीके से बनाया है। अगर आप भी इस तरीके से पराठा बनाएंगे तो आपका भी पराठा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आप पहले आटा लगा लीजिए। मैंने 2 कटोरी आटा लिया और उसमें 2 स्पून मैंने ऑयल डाल दिया और इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया और उन्हें अच्छे से मिक्स कर लिया। जब हमारे आटा और ऑयल अच्छे से मिक्स हो जाए तो आप थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक सॉफ्ट डो तैयार कर लीजिए। इसका डो हमें बहुत ही सॉफ्ट चाहिए, क्योंकि मूलियों में पानी होता है, तो इसलिए अगर हम सॉफ्ट डो तैयार करेंगे तो हमारा पराठा भी बहुत ही अच्छे से बन जाएगा। ये मैंने आटा लगा लिया है, अब इसे मैं 10 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख दूंगी। और इसके बाद मैंने 1 केजी करीब मूली ले लिया और 3 उबले हुए आलू ले लिए। आलू डालने से ये पराठा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है और स्टफिंग भी हमारे अच्छे से बाइंड हो जाती है। अब मैं मूलियों को ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर लूँगी। आप सारे मूलियों को ग्रेट कर लीजिए। ये मैंने ग्रेट कर लिया और इसके पानी को मैंने अच्छे से निचोड़ दिया, बिल्कुल ड्राई हो गया है ये। और आलूओं को भी मैंने ग्रेट कर लिया है और गैस पे मैंने कढ़ाई रखी और उसमें 4-5 कटे हुए हरी मिर्च को डाल दी और ये अजवाइन डाल दिया 1 टीस्पून और इन्हें थोड़ा सा सोटे होने दिया। और उसके बाद मैंने इसमें ग्रेट किए अदरक को डाल दिया। देखिए ये अदरक है, आप ग्रेट कर दीजिए और उन्हें थोड़ा देर सोटे होने दीजिए। और ये मेरे ग्रेट किए हुए मूली हैं, उन्हें भी डाल दूंगी। और थोड़ा देर इन्हें भून लूंगी। और इसमें जो मैंने आलू भी ग्रेट किए थे उसे भी डाल दूंगी। दोनों अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जब हम इन्हें भुने तो उसमें हम नमक नहीं डालेंगे, केवल लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। नमक हमें बिल्कुल इस समय नहीं डालना है, क्योंकि नमक डालते ही मूलियों में से पानी निकलने लगता है। तो आप केवल इस तरह पहले भून लीजिए। और इसमें मैंने धनिया की पत्ती डाल दी थोड़ी सी।
फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है और इन्हें छोड़ दिया मैंने ठंडा होने के लिए। जब ये ठंडा हो जाए तब आप इसमें अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट डाल दीजिए और मिक्स कर दीजिए। अब मैंने लोइयां ली और पराठा बनाना स्टार्ट किया। आप देखिए इस तरह से आप इसकी स्टफिंग लोइयों में डाल दीजिए। ऐसे मैंने गोल कटोरी इसकी बना ली लोइयों की और उसमें स्टफिंग डाल दिया। ऐसे मोड़ते हुए इन्हें बंद कर दिया। आटा से डस्टिंग करते हुए इसको मैंने हाथ से पहले हल्के हल्के फैला दिया और एकदम हल्के हाथ से आप बेलिए। ये मेरे हो गए हैं। अब मैं गरम तवे पे इसको डाल दूंगी और ऑयल लगा के इन्हें सेक लूंगी। ये पराठा इतना ज़्यादा बनने के बाद टेस्टी बनता है कि सब खाते ही रह जाते हैं कि कितना टेस्टी लग रहा है। ये मेरे पराठे बनके रेडी हो गए। इसी तरह से मैंने दूसरा भी बनाया। आप एक बार ज़रूर इस तरह से ट्राई करिएगा। इसकी स्टफिंग बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। देखिए बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से आप इसको फैलाइए और फिर बेलना शुरू करिए। ऑयल लगा के इसे सेक लीजिए। अगर मेरी रेसिपी आप लोग को पसंद आती हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखिए मेरा पराठा बनके रेडी हो गया। आप इसको हरी चटनी या टमाटो सॉस के साथ खाइए। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। एक बार जरूर ट्राई करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय।